हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो बोया का माइक है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये माइक को कैसे हम OBS के थ्रू यूज करते हैं जिससे कि हमारा वॉयस बहुत ही क्लियर और क्रिस्प हो। तो इसके लिए चलिए अभी हम OBS सॉफ्टवेयर में जाते हैं, वहाँ पर अभी सारा चीज़ें आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरह से मैंने ये कर रखा है, और आप भी इसी तरह से करोगे तो आपका भी वॉइस बहुत ही क्लियर और क्रिस्प आएगा। तो देखो यहाँ पे जब भी मैं बोल रहा हूँ तो देखो, ऑडियो इनपुट कैप्चर डिवाइस है, मतलब इसमें मैंने ऐड कर रखा है, मैं वो भी बताऊँ कैसे ऐड करना है। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो ये पीक ज़्यादा रेड हो रहा है, और अगर कम बोल रहा हूँ तो अभी देखो इतना ही जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पीक कैसे कम और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मैं अगर शांत रहूँगा तो यहाँ पे देखना, ये ऑडियो कैप्चर डिवाइस में कुछ भी हलचल नहीं होगा, थोड़ा बहुत माइनर हो सकता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं अभी आप लोगों को शांत होके, मतलब थोड़ा देर के लिए मैं पॉज करता हूँ, जिससे कि ये जो हमारा पीक है वो देखते हैं कि जीरो पे आता है कि नहीं। अभी देख सकते हो यहाँ पे पीक हमारा क्या हो गया था, जीरो हो गया था। अगर एक चीज़ और कंडीशन है कि अगर आप फैन चलाओगे तो फैन का भी इसमें कुछ ना कुछ आपको नॉइज मिलेगा, तो उससे उतना अफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं आपको फैन चला के भी दिखाता हूँ, आप थोड़ा देर वेट करो, मैं फैन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मैंने फैन ऑन कर लिया है, तो जैसे ही मैं शांत होऊंगा थोड़ा सा आप लोगों को पीक दिखेगा, लेकिन उससे हमारा आवाज़ पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप अगर फैन चला रहे हो कम स्पीड में तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आप वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड भी कर पाओगे। तो देखो मैं शांत होकर दिखाता हूँ कहाँ तक पीक जाएगा ये, देखो इतना थोड़ा सा ही अपने को दिखते रहेगा, बट उससे हमारा वीडियो के जो भी ऑडियो एक्सट्रैक्ट होगा उसमें हमारा कोई भी ज़्यादा नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा बहुत पंखा चलाओगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले चीज़ कि मैंने माइक लगा रखा है और मैंने माइक को लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है। अगर मैं इस माइक को हटा देता हूँ तो देखना कैसा आवाज़ होगा, आवाज़ रिकॉर्ड फिर भी होगा जो कि लैपटॉप के माइक्रोफोन से होगा, लेकिन उसका आवाज़ आप लोगों को देखना कितना ज़्यादा ही ख़राब दिखेगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, आप लोगों को ये हटा के दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो अभी मैंने क्या किया है कि ये जो मेरा माइक है, माइक का ये देखो ये वाला पार्ट अभी मैंने निकाल दिया लैपटॉप से, और ये जो मेरा माइक का है, एक एंड जो लैपटॉप में कनेक्ट होता है और एक एंड मेरे पास जिससे आवाज़ आता है। तो अभी मेरा आवाज़ पूरी तरीके से लैपटॉप के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ में डिफरेंस पता चलेगा। तो देखो अब मैंने लगा दिया है अपने लैपटॉप में उस जैक को, और अब जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है इस माइक्रोफोन से। तो एक तो आपका टेस्ट ये भी हो जाएगा कि माइक्रोफोन का यूज करने से कितना हमारा आवाज़ क्लियर हो जाता है, और दूसरा टेस्ट अभी दूसरा चीज़ जो बताने वाले कि उसको ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा ऑडियो इनपुट कैप्चर ये जो ऐड है उसको पहले रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा मेरा आवाज़ रिकॉर्ड होना इसमें बंद हो जाएगा। तो मैं उसके लिए एक फ़ोन में थोड़ी देर के लिए आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और आपको शुरू से बताते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो रिमूव करना है तो रिमूव कर दिए, राइट, यहाँ से, यस, ओके। अब जो हमारा आवाज़ जो रिकॉर्ड हो रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है इससे हो रहा है, और इसके आवाज़ को फिर मैं बाद में लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं कि अभी देखो मेरा वीडियो कैप्चर डिवाइस है, वीडियो कैप्चर डिवाइस जो हमारा ये जो मैं अभी साइड में जो कॉर्नर में दिख रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और जो डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस है वो पूरा डिस्प्ले को कैप्चर कर रहा है, राइट। अब मेरे को अभी भी मेरा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मेरा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा, अभी माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए यहाँ जाऊँगा प्लस में ऐड करूंगा। अब क्या करना है मेरे को, ऑडियो इनपुट करना है कि आउटपुट करना है, तो हमें क्या करना है, हम जो बोलेंगे वो इन होना चाहिए ना, आउट तो बाद में होगा जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ऑडियो इनपुट कैप्चर डिवाइस में जाना है हमको, इसका नाम अगर आप देना चाहते हो कि मैं माइक से रिकॉर्ड करूंगा तो माइक दे दो, राइट, यहाँ पे कर दो, ओके। अब यहाँ पे देखो डिवाइस आ गया, अब डिवाइस में आपके पास, हमारे पास ये तीन ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आप माइक्रोफोन जो भी ये बोया का माइक है वो अगर आप ऐड नहीं किए होगे तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखेगा, स्टीरियो मिक्स करके जो भी आपका लैपटॉप में इनबिल्ट माइक्रोफोन होगा वही दिखेगा, राइट। तो अभी क्या करना है कि अपने को ये नहीं करना है, स्टीरियो मिक्स नहीं करना है, ये जो माइक्रोफोन अरे ऐसे करके कुछ आएगा आपको,
दो ऑप्शन आएगा, आपको तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने ड्रॉयड का रख रखा है तो आपको आएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा। तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, स्टीरियो मिक्स और माइक्रोफोन अरे। तो माइक्रोफोन अरे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप माइक्रोफोन अरे पे क्लिक करोगे तो आपका जो आवाज रिकॉर्ड होगा वो किससे रिकॉर्ड होगा, माइक्रोफोन से होगा। और माइक्रोफोन को हमेशा, मतलब अब मान लो कि आपने इसको इसको इधर लगा लिया और आपने उधर जो भी आपका लैपटॉप है उसमें अगर आपने इसके जैक को कनेक्ट नहीं कर रखा है तो फिर काम नहीं करेगा। तो अगर जैक भी कनेक्टेड नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको वो शो नहीं करेगा। तो आप होगा कि आप जो भी इसका हेडफोन जैक, जो भी जैक होता है वो लैपटॉप में लगा दो, उसके बाद आपको ये दिखेगा माइक्रोफोन आ रहे, इसको कर दो जस्ट सिंपली ओके, राइट। अब देखो यहाँ पे एक माइक करके आ गया ना, यहाँ पे देखो माइक करके आ गया। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वहाँ ऐसे ऐसे पिक बनते जा रहा है। तो इस तरह से आप अगर आवाज़ को रिकॉर्ड करोगे तो आपका आवाज़ एकदम क्रिस्प एंड क्लियर होगा, आपको कहीं भी कोई भी साउंड नहीं देखने को मिलेगा। अगर मान लो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी एरिया में रहते हो तो थोड़ा बहुत साउंड जो बाहर के सराउंडिंग्स की आती है, जैसे अगर कोई बाइक क्रॉस करेगा तो अगर हॉर्न मार के करता है तो वो सारी चीज़ें आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसको भी ये रिड्यूस करके ही देता है अपने को। तो चलिए होप करते हैं कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि मैं अपने आवाज़ को कैसे क्लियर रिकॉर्ड करता हूँ। और मैं यहाँ पे ऑडासिटी का यूज़ नहीं करता हूँ, ऑडासिटी का इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का ऑडियो आउटपुट मिल रहा है तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता। और अगर आप भी जनरल केस में यूज कर रहे हो तो आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ऑडासिटी के लिए अभी पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप डायरेक्ट इसी का जो OBS का इनबिल्ट माइक वाला फीचर है उसका यूज कीजिए और आपका आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।